हाय, हम देखेंगे एक्जिला। एक्जिला एक्जिला का इंट्रोडक्शन देखें तो एक्जिला कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्जिला कैसे क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। एक्जिला का इंट्रोडक्शन, एक्जिला का शेप कैसा होता है, पिरामिडियल। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट देखे तो कैसा शेप होता है, शेप पिरामिडियल। पिरामिडियल शेप पिरामिडियल होता है और किस किस के बिटवीन सिचुएटेड कहाँ होता है, सिचुएटेड बिटवीन। सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं अपन, सिचुएटेड बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में होता है एक्जिला, अपर पार्ट ऑफ द आर्म। अपर पार्ट ऑफ द आर्म, अपर पार्ट ऑफ द आर्म। सेकेंड पॉइंट, अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड किस किस के बीच में होता है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल एंड चेस्ट वॉल। ये हो गया इंट्रोडक्शन। शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है, बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में होता है, अपर पार्ट ऑफ आर्म। ये देखिए, ये पिरामिडल शेप है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म, इधर आर्म होगा, आर्म का अपर पार्ट और चेस्ट वॉल दोनों के बीच में होता है, इधर अपर पार्ट और उधर चेस्ट वॉल दोनों के बीच में होता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अगर अब सेकेंड पॉइंट इसके देखते हैं, बाउंड्रीज। सेकेंड पॉइंट बाउंड्रीज, सेकेंड पॉइंट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में पहले देखते हैं अपन एपेक्स। एपेक्स, एक्जिला का अपेक्स कैसे बनता है। एक्जिला का अपेक्स में हम देखेंगे, ये डायरेक्ट अपवर्ड और मीडियली टू वर्ड होता है, मतलब ऊपर होता है। ये है एक्जिला का अपेक्स, अपवर्ड है ऊपर है और मीडियली टू टू वर्ड है, तो रूट ऑफ द नेक, इधर नेक गर्दन होगी, नेक की ओर है, अपवर्ड और टू वर्ड ऑफ द नेक, नेक की ओर होगा, अपवर्ड ऊपर और टू वर्ड ऑफ द नेक, नेक की ओर होगी। अपेक्स का इंट्रोडक्शन देखें, अपेक्स कैसे बनता है, तो अपेक्स क्या लिख सकते हैं अपन, इट इज अ डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड इट इज अ डायरेक्ट अपवर्ड एंड अपवर्ड एंड अपवर्ड एंड मीडियली मीडियली टूवर्ड मीडियल टूवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक द रूट ऑफ द नेक। ये एपेक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। डायरेक्ट अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है, और मीडियली टूवर्ड द रूट ऑफ द नेक, रूट ऑफ द नेक। ये ग्रीन ग्रीन कलर का है ना, ये अपेक्स है एक्जिला का। अपेक्स की इंट्रिली साइड, अपेक्स में ही फर्स्ट पॉइंट है इंट्रिली साइड। अगर इसकी इंट्रिली साइड देखे, इंटीरियरली, अपेक्स की इंटरियरली साइड कैसे बनती है, तो पोस्टियर सरफेस ऑफ द क्लिविकल, जो क्लिविकल बोन होती है उसकी पोस्टियर सरफेस, ये क्लिविकल बोन है, क्लिविकल बोन की पोस्टियर सरफेस क्या बना रही है, इसकी इंटरियरली साइड बना रही है। अपेक्स की, एक्जिला के अपेक्स की इंटरियरली साइड कौन बना रहा है, पोस्टियर सरफेस ऑफ द क्लिविकल। बाय द
पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस हाफ क्लेविकल, जो क्लेविकल है उसकी पोस्टीरियर सरफेस इंटीरियरली बना रहा है अपेक्स का, एक्जिला के अपेक्स का। पोस्टीरियर साइड देखे तो पोस्टीरियर साइड कौन बना रहा है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कूपला, जो स्कूपला बोन है उसकी सुपीरियर बॉर्डर है ना वो बना रही है पोस्टीरियर साइड। बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कूपला, जो स्कूपला की सुपीरियर बॉर्डर है ना वो पोस्टीरियर साइड बना रही है अपेक्स के एक्सिला के। थर्ड पॉइंट है मीडियली, मीडियली अपेक्स की मीडियली साइड, मीडियली साइड कौन बना रहा है, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिप, जो ये फर्स्ट रिप है इसकी आउटर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर बाहर की बॉर्डर इसकी बना रही है मीडियल साइड, आउटर बॉर्डर बाय बाय द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिप।